हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे एनवलप पार्टीज़ के लिए। जो भी त्यौहार होता है, शादी होता है, सगाई होता है, जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है, रक्षाबंधन होता है, हमको किसी को नेक देना होता है, तो हम जब नेक देते हैं या किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं पैसे, तो हम उसको एनवलप में डाल के देते हैं। तो ये वही एनवलप हम आज बनाएंगे घर पर। मैंने इसको स्क्रैप पेपर से बनाया है। आप कोई भी कलर पेपर से बना सकते हैं, हैंडमेड पेपर से ही बना सकते हैं। मेरे पास स्क्रैप पेपर था रेड कलर का, तो मैंने उससे बनाया है। पूरी वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसे कैसे बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे घर पे कोई भी बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं। तो ये हमारा एनवलप बनकर रेडी हो गया है। और ये मैंने सिंपल सा मैंने स्क्रैप पेपर से बनाया था, तो इसीलिए एकदम सिंपल भी अच्छा नहीं लगता देने में। तो अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। बस घर पे बनाने का फ़ायदा एक यही होता है कि हम इसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 200 का नोट के मेजरमेंट के हिसाब से जो लिया था, तो मैंने इसके अंदर पैसे भी रख दिए। अब हम इसके ऊपर गणपति बप्पा लगा देंगे। तो ये मैंने लगा दिया। ये गणपति बप्पा भी मैंने कोई शादी के कार्ड से ही काटा था। शादी के कार्ड्स में ऐसे प्राय मिलेंगे आपको। अब हम ये दो लाइन काट कर लगाएंगे। ये भी मैंने मेरे पास गोल्डन कलर का पेपर था, मैंने उसी से काटा है। क्योंकि ये दो लाइन मैं इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, इसलिए मैंने सिंपल सा कार्ड बनाया है ताकि इसमें हम नाम भी लिख सकें। तो ये बन गया हमारा रेड वाला कार्ड। बनाएंगे दूसरा कार्ड, जो कि मैंने शादी के कार्ड से ही बनाया है। इसको मैंने कोई स्क्रैप पेपर से या हैंडमेड पेपर से नहीं बनाया है, ये मैंने पुराने शादी के कार्ड से ही बनाया है। देखिए इसमें सब लिखा हुआ भी है, तो कोई बात नहीं, हम लिखा हुआ पोर्शन को हटा देंगे। मैंने इसका कवर से बनाया है क्योंकि, तो ये शादी के कार्ड का ये मैंने कवर ले लिया क्योंकि इसके पीछे के साइड पूरा खाली है, वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो मैं इसे काट लूँगी। अब मैं इसमें मेजरमेंट, मैंने जो रेड वाला कार्ड बनाया उसी का मेजरमेंट ले लूँगी। अब ये कार्ड मैंने थोड़ा सा छोटा बनाऊँगी अपने हिसाब से। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी साइज़ ले सकते हैं। तो ये मैंने रेड वाला ही साइज़ ले लिया, मैंने इसमें कोई नोट का साइज़ नहीं लिया है। बस इसको भी हमको रेड वाले की तरह ही बनाना है। लिखे हुए साइड को हमको अंदर करना है। तो ये मैंने जो भी इसमें बने हुए थे डिज़ाइन वो सब मैंने काट दिए हैं। मैंने इसको लिखा हुआ को अंदर की तरफ कर दूंगी, फिर बाकी ये वही पूरा सेम प्रोसेस है जो मैंने रेड कार्ड में किया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। तो ये हमारा येलो कार्ड भी बनके रेडी हो गया है। अब हम इसे भी डेकोरेट करेंगे। और इसके नीचे कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, हम उसे भी लगा देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो स्टोन से कर सकते हैं, कोई नेट कपड़े से भी कर सकते हैं, आप इसे जैसे चाहे डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम इन दोनों को चिपका देंगे ऊपर और नीचे। ये मैंने चिपका दिया है। अब हम इसमें एक रुपये का कॉइन में लगा रही हूँ। मैं इसमें गणपति पापा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैंने पिछले वाले कार्ड पे गणपति पापा लगाया था। तो मैं इस पर एक का सिक्का लगाऊंगी जो कि नेक के तौर पे अच्छा होता है। इसको मैं गोल्डन पेपर इसके साइज़ से थोड़ा बड़ा काटूँगी और उसके ऊपर
गोल्डन पेपर के ऊपर मैं एक का सिक्का रख के उसमें चिपका दूंगी। क्योंकि इसमें भी मैं अगर गणपति बप्पा लगाती तो दोनों कार्ड का डिज़ाइन सेम हो जाता, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग किया है इसमें। अब मैं इसमें थोड़ा सा आउटलाइन कर दूंगी क्योंकि ये भी येलो येलो हो जा रहा है। तो मैं इसमें रेड कलर से लाइन खींच रही हूँ। मैंने इसमें रेड लाइन किया है। तो ये हमारा दूसरा नंबर कार्ड भी बन करके रेडी हो गया है। ऐसे मैंने बहुत सारे कार्ड्स बनाए हैं, रक्षाबंधन के भी बनाए हैं और भी बाकी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय।